भी गलत बात है आपके, आप इतना बार टिकट टिप्पणी करने लगते हैं ना कि जैसे उनका तो ऐसे लगता है मधुर कुछ आ रहा है आपके कान में, ऐसी चीज सुनाई दे रही है। अभी दूसरे सरकार वो चला रहे हैं, आप चला रहे हैं सरकार, टिप्पणी करते रहना हर बार। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सरकार कौन चला रहा है? जफर इस्लाम, सुन तो लीजिए, मैं सरकार से ही धोखाधड़ी होगी, क्यों कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो आइए पहले हम देखते हैं कि क्या होता है एक सच्चा पत्रकार और कैसे उसको रूलिंग पार्टी से इंटरव्यू करना चाहिए। देखें इस क्लिप में संदीप चौधरी ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफार की बोलती बंद करवा कर रख दी और साहब आप चाहे 1,00,000 अरब रुपए का बजट गिनवाते रहो, पर जब आपका नकली पैसा जनता के किसी काम ही नहीं आ रहा तो उस बजट का हम क्या करें। हमें तो इतना दिख रहा है कि आपका बजट हिंदू मुस्लिम करवाने में लग जाता है या गोदी मीडिया को पैसे देने में लग जाता है। आप हमको बार बार ये कह रहे हैं जिस स्टेट ने नहीं घटाया है उसको घटाया सबके लिए कह रहे हैं, जो भी स्टेट ने नहीं घटाया उससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक इतना अच्छा नमूना कोविड के समय में हमने पेश किया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। उसी का दुहाई देते हुए कह रहे थे कि आज दुनिया के देखे पहले के जब समय में ऐसी क्राइसिस कभी नहीं थी, आज ग्लोबल क्राइसिस किस तरह की है ये इकोनॉमिस्ट को समझ में नहीं आ रहा है। काज हमारे पास पाम ऑयल, हमारे पास प्रोडक्शन होता है क्या? ऑयल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है क्या? जितनी भी कमोडिटी है आग लगी हुई है दुनिया में, बहुत काट दी क्या बेटू, सारे अलग कारण है, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, चाइना के क्राइसिस की वजह से, कई कई चीजों के एक साथ जूझ के बाद कोविड से निकले और ये जूझना पड़ रहा है। उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री ने कभी भी सीपीआई को 6 से 1 ही बार 2 बार जो है ऊपर ब्रीच किया है, ये क्या बोल रहे हो? लेकिन मैं पूछता हूँ इनके समय में अगर ये मान लिया सब्सिडी ये अपने पॉकेट से देते थे क्या? ये सब्सिडी तो देते थे, सब्सिडी किसका मतलब का क्या मतलब है? वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, महंगाई कंट्रोल करता है, नहीं, ये नहीं, है, प्रोफेसर ये है, इनको नहीं मालूम है कि वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। जफर भाई नहीं, एक मिनट सुनिए, बीच में टोकिए, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, बीच में टोकिए प्लीज। आप सबको, आप उनको कान में एकदम निकाल देते हैं उसका और सुनते हैं कांग्रेस वालों का, ये पुराना हो गया, ये भी रटा रटा है जवाब, मत इंटरप्ट क्या कीजिए, ये माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नहीं ये गलत बात है, हाँ करिए करिए, ये भी गलत बात है आपके, आप इतना बार टिकट टिप्पणी करने लगते है ना कि जैसे उनका तो ऐसे लगता है मधुर कुछ आ रहा है आपके कान में, ऐसी चीज सुनाई दे रही है। अभी सरकार वो चला रहे हैं, आप चला रहे हैं सरकार, टिप्पणी करते रहना बार। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सरकार कौन चला रहा है? जफर इस्लाम, सुन तो लीजिए, मैं सरकार से ही धोखाधड़ी होगी, क्यों कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, हाँ आप बताइए, सरकार चला रहे उनके सरकार, उन्होंने नहीं तो सुन लीजिए उसके, सुन लीजिए उनके बारे में बता रहे हैं, हमने कितना डेवलपमेंट पे खर्चा किया है 90,00,000 करोड़, उन्होंने क्या किया, बार बार 26,00,000 करोड़ की दुहाई देते हैं, कितना वेलफेयर स्कीम हमने चलाया है बताइए। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, हमने 25,00,000 रुपया 25,00,000 करोड़ रुपया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया है, और हमने 11,00,000 करोड़ रुपया हमने सिर्फ फूड सब्सिडी पे दिया है, और 25,00,000 करोड़ फूड सब्सिडी। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। बाकी सारे सब्सिडी फर्टिलाइजर, आप देखिए फर्टिलाइजर का प्राइस क्या, 25,00,000 करोड़ की कितनी कहाँ सब्सिडी दे दी आपने किसानों को, 25,00,000 करोड़ की कहाँ सब्सिडी दे दी? देखिए नहीं नहीं हमने कहा, आप पूरा सुनिए, 25,00,000 करोड़ हमने सब्सिडी वेलफेयर सब चीज को मिला के कह रहे हो कि जो किसानों को सब्सिडी वेलफेयर स्कीम जो चलाए गरीबों के लिए, ये सारी चीजों के लिए, और प्लस हमने डेवलपमेंट के लिए 90,00,000 करोड़ खर्च किया है, उससे अच्छा तो कह देते 39,00,000 करोड़ का हमारा बजट है। दूसरी बात, अच्छा तो कह देते 39,00,000 करोड़ का हमारा बजट है। दूसरी बात, हमने हमने देख सुन लीजिए, और आज भी कह रहे हैं जो बजट पेश हुआ है, हम कंपैशनेट ग्राउंड पे बजट पेश करते हैं, जो बजट को देखते हैं, आज हमें किसान भाई बहनों की जरूरत है तो क्या आप सब्सिडी नहीं बढ़ाएंगे? नहीं
फर्टिलाइजर आसमान छूता हुआ डबल हो गया प्राइस। चलिए ये आंकड़े बता दिए ना, मैं आपसे मूल सवाल पूछ रहा हूँ जफर भाई, दाम घटाने की जिम्मेदारी किसकी, जिसने दाम बढ़ाए उसकी या जिसने टैक्स नहीं बढ़ाया, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी जो 3.56 रुपए थी डीजल पर, क्या वो 31.80 रुपए नहीं हुई? ये फंस गया सीएम। क्या जो 9.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर थी वो 32.90 रुपए नहीं हुई, जो अब घटकर 27.90 रुपए और 21.80 रुपए? मैं जवाब, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और अगले क्लिप में हम देखेंगे कि किस हद तक गिर जाती है इनकी पार्टी जब इनको असली मुद्दों पर कोई निष्पक्ष पत्रकार सवाल उठाता है, और इनके पास जवाब तो कोई होता नहीं तो बस अपने कूलों की ध्वनि ये अपने मुंह से पी पो करते रहते हैं और अपनी औकात दिखाते हैं लाइव डिबेट के जरिए। प्रेम शुक्ला, आशीष मिश्रा कहाँ है? उनके पिता को पता होगा, आशीष मिश्रा को पता होगा, जांच एजेंसियों को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता कि आपके भाई कहाँ है, आपके बेटे कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार है, उसी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। आपने कहा साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। सुन लीजिए जरा, आप जो है विधि पत्रकारों के कहने के अनुसार इस देश की कानून व्यवस्था नहीं चलने वाली। अच्छा, ना सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार चलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना 302 का मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तार करो, जाइए और गिरफ्तार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की तो सुनोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इतना भी संयम नहीं कि आप मेरा उत्तर सुन लें धैर्य से। आप इतना ज्यादा जो है पोंपो करने पर आमादा है, इतना बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े और हल्के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मुस्कुराहट बनाए रखिए, बहुत ही हल्का सा मामला है ना, मुस्कुराते रहिए और हल्के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं आप ठीक कहा है, एजेंडा बनाते रहिए कांग्रेस की तरफ से, हम एजेंडा बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एजेंडा बना रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एजेंडा चला रही है। आपका एजेंडा पूरा हो जाए तो मैं शुरू करूं, बोलिए। कांग्रेस के पीडी पालतू पत्रकारों का एजेंडा पूरा हो जाए तो मैं, हाँ सुप्रीम कोर्ट भी पीडी पालतू है किसी पार्टी के, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई रंडी कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट सम्माननीय संस्था है लेकिन पीड़ित पालतू पत्रकारों को तो सुप्रीम कोर्ट कहता है चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए, तो गलत कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, करेंगे ना गिरफ्तार। पीड़ित पालतू है किसका? पीड़ित और पालतू है जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग करके आपराधिक गतिविधियां करके लोगों की हत्या की, उनको गिरफ्तार कीजिए, लोग अपराधों में है उनको, बिल्कुल उनका भी जिक्र किया, हर किसी को गिरफ्तार करेंगे जी। तो आशीष मिश्रा है कहाँ? नर पिशाच राजीव गांधी की, आशीष मिश्रा है कहाँ? 10,000 निर्दोष सिखों की, आशीष मिश्रा फरार, नर पिशाच जो उनको मंत्री बना, पिता पद पर बरकरार, अब होगा गिरफ्तार, सवाल ये है ना, तो रहन दो फिर। ये सवाल से क्यों भाग रहे हैं ना? पीड़ित कोई नहीं भाग रहा जी, पीड़ित पत्रकारों के पोंपो करने से कानून की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पोंपो कौन कर रहा है? कानून व्यवस्था की खिल्ली कौन उड़ा रहा है? पोंपो कौन कर रहा है? पालतू पत्रकार जो है पोंपो कर रहे हैं। आपका पालतू है, आपका पालतू है ये आशीष मिश्रा, इसीलिए पालतू को बचा रहे हो, पालतू को बचा रहे हो। मैं भी वही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं भी वही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपकी तरह हल्का इंसान नहीं हूँ प्रेम शुक्ला, आपका पालतू है इसलिए बचा रहे हैं। देखते ही मारने का मन हो गया, बिकाऊ लोग, आपका बिकाऊ, आप बिक गए क्या? आप बिक गए अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा के सामने, मैं वही शब्दों का आप जवाब दूंगा, वही शब्दों का, कौन बिका है यहाँ पर, बिका कौन है? कर लो पोपो, संविधान और कौन कर रहा है ये कानून की पोपो, कौन बजा रहा है कानून की पोपो, कौन बजा रहा है पीडी, कौन बन रहा है? हो गए बच्चों दे, चल अब देने वाला रही पता, पुलिस पीडी हो गई है क्या आपकी? पत्रकार पीडी कौन हो गया? पीडी कौन हो गया? तकलीफ होने लगी, तकलीफ होने लगी, मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप एक वाक्य तो सुन पाने के आपको संयम नहीं है, बोलिए ना, बोलिए, इतने बिकाऊ पत्रकारों में आप शामिल हैं, हाँ खरीद के खाओ ना, औकात नहीं है आपकी प्रेम शुक्ला, औकात नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? झटा मादक चोद, खरीद कर दिखाओ दम है तो,
खरीद कर दिखाओ दम है तो। अरे खरीद कर दिखाओ ना दम है तो। पत्रकारों के बारे में क्या कहना, जो पत्रकारिता की नहीं है, दो दिन पत्रकारिता की, कभी शिवसेना में कभी बीजेपी में, मुझे पत्रकारिता का पाठ पढ़ाएंगे आप? क्यों चिढ़ गए, कैसे चिढ़ गए? आया ना, दर्द हुआ, दर्द हुआ, दर्द हुआ। कोई दर्द नहीं होता, आपको लगता है कि किसी को भी कुछ कहकर निकल जाओगे और दूसरी तरफ से जवाब नहीं आएगा? पापा तुम्हें तेरे को नया बाप मिल गया है।